Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna share with you guys my hair care routine. So lot of you ask me कि मैं अपने hair में क्या लगाती हूँ, मेरा hair care routine क्या है. तो here I am. तो मैं आज एक video बनाने वाली हूँ finally जो मैं products use करती हूँ. तो without any further ado, let's get started. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आते हैं ऑयल पे. तो मैं अभी कोई मार्केट का ऑयल यूज नहीं करती हूँ. तो रिसेंट मैंने जो लगाना स्टार्ट किया है, मैंने एक होममेड डीआईवाई ऑयल में यूज करती हूँ. तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको मैं लिंक कर दूंगी, आप उसको देख लेना. ऐसा कुछ दिखता है और मैंने इसको एक शैम्पू के जार में रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली डीआईवाई है तो आपको किसी कटोरी में डालना ही है इसको. तो इसको मैं यूज करती हूँ, हफ्ते से दो तीन बार यूज करती हूँ और ओवर नाइट में इसको रखती हूँ, उससे ज्यादा काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट आते हैं शैम्पू पे. तो अगर मेरे बालों में डैंड्रफ है, मुझे लगता है कि अभी डैंड्रफ है, इसको धुलने का जरूरत है, तो मैं इसके लिए मैं जो यूज करती हूँ वो है लगा क्लीन स्कैल्प एंटी डैंड्रफ शैम्पू. इसका जो प्राइस है 620 रुपीज और इसमें 250 ml प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन काफी अच्छा काम करता है. तो आफ्टर ऑल टू डू यूज जर्से जो है पूरा डैंड्रफ चला जाता है. अगर मेरे बालों पे डैंड्रफ नहीं है, मुझे कोई डैंड्रफ का इशू नहीं है. मॉनसून है इस टाइम पे, हेयर फॉल सबको हो रहा है, लेकिन अगर आप इस डीआईवाई ऑयल को यूज करोगे, मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ 100% आप बोल सकते हो कि हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा, हेयर फॉल रुक जाएगा. और रिसेंट आप देख सकते हो मेरा बालों का ग्रोथ जो है काफी अच्छा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है. अभी कुछ दिन पहले तो इतना था, एक महीने में काफी ज्यादा है जो है हेयर ग्रोथ, मुझे खुद भी दिखा है. तो नाउ कमिंग टू शैम्पू. तो अगर मेरे डैंड्रफ का कोई इश्यू नहीं है तो मैं एंटी हेयरफॉल शैम्पू यूज कर लेती हूँ. सिर्फ ऑयल नहीं, मैं एंटी हेयरफॉल शैम्पू भी यूज करती हूँ. तो लॉरियल का फॉल रेजिस्ट एंटी हेयरफॉल शैम्पू, मैं इसको अभी रिसेंट यूज कर रही हूँ. मैं पहले ट्रेसिमे का यूज करती थी, तो लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये मेरे बालों पे काम कर रहा है और ये काफी इनएक्सपेंसिव है. इसका जो प्राइस है 135 रुपीज और इसमें आपको 192 ml प्रोडक्ट मिल जाता है, तो काफी अच्छा है. नाउ कमिंग टू हेयर मास्क. तो मैं एक डीआईवाई हेयर मास्क जो है स्कैल्प में लगाती हूँ. मैं दही को, मेथी को और लेमन को जो है एक साथ मिक्स करके मैं लगाती हूँ. साइड में मैं डाल दूंगी कि कैसे मैं उसको लगाती हूँ. तो मैं उसको यूज करती हूँ और 15 मिनट तक उसको रहने देती हूँ. आफ्टर 15 मिनट में पहले पानी से धो लेती हूँ, उसके बाद मैं शैम्पू यूज करती हूँ. एंड मुझे कभी किसी दिन अगर डीआईवाई नहीं लगाना है, धुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर मैं कुछ मार्केट का हेयर मास्क यूज करती हूँ, तो रिसेंट मैंने इस स्पा एसेंस, तो स्वर्ज प्रोफेशनल का स्पा एसेंस मैं यूज करती हूँ. पता नहीं इस ब्रांड का नाम क्या है, मुझे तो लगता है स्वर्ज कूफी है, ऐसा ही है. तो इसका जो प्राइस है 600 रुपीज और इसमें आपको 500 ml प्रोडक्ट मिल रहा है, तो काफी ज्यादा ह्यूज टब है एज यू गाइस कैन सी. और इसको आप बालों में काफी अच्छे से लगा लो, थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा करके, और शैम्पू से धो लो. आप देख पाओगे स्पा जैसा बिल्कुल फील होता है, लगता है कि आपने पार्लर से स्पा कराया था. तो अगर आपको स्पा का जरूरत है होम में, अभी घर में सब लोग कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में सब लोग पार्लर जाना, अभी सैलून जाना प्रेफर नहीं कर रहे, तो आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो. और बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है क्योंकि आपको 500 ml प्रोडक्ट मिल रहा है 600 रुपीज में, तो काफी दिन तक ले जाएगा, काफी दिन तक. एंड दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर माय हेयर केयर रूटीन गाइस. आई होप आपको जो है इसमें से अगर आप डीआईवाई वाला हेयर ऑयल जो है उसको यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर देखेगा. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. लाइक एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम. सो टिल देन,